हे गाइज, वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो गए। सो गाइज, आई एम बैक अगैन विद दी अनदर हॉल वीडियो ऑन कुर्ती। सो गाइज, इस बार मैंने कुर्ती परचेज की है मिंत्रा से और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में ये सभी कुर्ती होने वाली हैं। 400-500 के अंदर आपको बहुत ही अच्छी क्वालिटी की कुर्ती मिलने वाली है। सो गाइज, मिंत्रा पे रॉस सेल स्टार्ट हो चुकी है जिसपे आपको सभी ब्रांड पे 50-90% तक ऑफ मिलने वाला है। सभी इंटरनेशनल ब्रांड पे आपको लोएस्ट प्राइस मिलने वाले हैं। सो प्लीज़ जाओ और चेकआउट कर सकते हैं और लिस्ट कर सकते हो। सो हम बढ़ते हैं अपने कुर्ती हॉल पे। सो गाइस, जो फर्स्ट कुर्ती मैंने परचेज की है वो ये वाली परचेज की है। सो ये ना कुछ ब्लू कलर में मैंने परचेज की थी और इस तरीके की, पहले आप देख लो, इस तरीके की ये कुर्ती पूरी थी आपको मिलेगी। नेक पे आपको पूरा इस तरीके का थ्रेड वर्क मिल जाएगा एंड वी इसका नेक है एंड यहाँ पे कुछ जो कट का डिज़ाइन होता है ना, उस तरीके का कुछ है और आप थ्रेड वर्क भी देख सकते हैं। काफ़ी नीट एंड क्लीन एंड अच्छी क्वालिटी का ये थ्रेड वर्क लग रहा है। स्लीव्स इसकी 3/4 मिल जाएंगी एंड स्लीव्स पे भी आपको इस तरीके का थ्रेड वर्क मिल जाएगा। सो गाइज, इसका जो मैंने साइज़ परचेज किया था, इसकी ब्रांड आयसा है एंड जो इसका साइज़ परचेज किया था वो मैंने मीडियम परचेज किया था, तो मीडियम मुझे बिल्कुल लूज़ आ रहा है। नेक्स्ट टाइम से मैं स्मॉल ही परचेज करने वाली हूँ क्योंकि मीडियम थोड़ा सा लूज़ ही आता है। सो गाइज़, इसकी आप लेंथ देख सकते हैं, अच्छी खासी इसमें लेंथ है और जो नीचे बॉर्डर पे भी ना आपको सेम वही वाला थ्रेड वर्क मिल जाएगा जो कि स्लीव्स पे है। तो अगर इसके फैब्रिक की बात करें तो फैब्रिक इस रेयॉन है और बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल इसका फैब्रिक है। वियर करने के बाद बहुत ज़्यादा कंफर्टेड लुक लग रहा था और बहुत ही अमेजिंग और अच्छी क्वालिटी में ये कुर्ती आपको मिलेगी। बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक है। सो अगर आपको पसंद आती है तो आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं सभी कुर्तीज़ का लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो गाइज, जो नेक्स्ट कुर्ती मैंने परचेज़ की थी वो ये वाली है और ये ना कुछ पिंक कलर में मुझे रिसीव हुई है। ऑल्दो जब मैंने देखी थी नेट पर तो ये रेड कलर में थी बट मुझे ये पिंक कलर में रिसीव हुई है। आप देख सकते हैं इस तरीके की कुछ कुर्ती है एंड इसकी जो ब्रांड है वो वी मार्ट है एंड इसका जो साइज़ मैंने परचेज़ किया था वो स्मॉल है, तो स्मॉल में मुझे बिल्कुल परफेक्ट आ रही है। और आप पहले इसका नेक का डिज़ाइन देख लो, राउंड नेक है और इस तरीके का पूरा इसमें जो फैब्रिक में जो डिज़ाइन दिया हुआ है कुछ इस तरीके का डिज़ाइनिंग है। यहाँ पे पूरी आपको गोटा पट्टी की लेस की डिटेलिंग मिल जाएगी। 3/4 इसकी स्लीव्स हैं एंड स्लीव्स पे भी आपको इस तरीके का पूरा थ्रेड वर्क मिल जाएगा एंड गोटा पट्टी की लेस भी मिल जाएगी। सो गाइज, इसका फैब्रिक जो वहाँ पे मेंशन है ना वो कॉटन है बट ये कहीं से भी कॉटन नहीं है। आप इसका फैब्रिक देखो, ये कुछ इस तरीके का फैब्रिक है जो सेल्फ में कुछ होता है ना, आई एम श्योर आपको दिख रहा हो, तो इस तरीके का ये कुछ फैब्रिक है। तो आई एम श्योर आपको समझ आ गया होगा। सो क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी है और प्राइस वाइज भी बहुत ही अफोर्डेबल है। 499 में ये कुर्ती आपको इजीली रिसीव हो जाएगी। सो आप डेफिनेटली जाके चेकआउट कर सकते हैं और लेंथ वगैरह आप ट्राई ऑन में इसकी देख रहे होंगे कि कितनी लेंथ है और लुक कैसी आ रही है, तो वो आप ट्राई ऑन में आपको क्लियर हो गया होगा। तो अभी बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट कुर्ती पे। सो गाइज, ये नेक्स्ट मैंने ना एक येलो कलर में परचेज की थी, ये अमेजिंग मुझे लगी, बहुत ही अच्छी लग रही थी। आप ट्राई ऑन में देखना इसको। सो ये इस तरीके की ना एक शॉर्ट कुर्ती मैंने परचेज की थी सी, इसकी इतनी लेंथ है, नेक पे ना इस तरीके का कुछ आपको डिज़ाइन मिल जाएगा। पूरा जो प्रिंट होता है ना वो शाइनिंग वाला, थोड़ा थोड़ा उस तरीके का आपको प्रिंट मिल जाएगा एंड ये लेस का पूरे नेक पे इस तरीके का आपको डिज़ाइन डला हुआ है। चार इसमें बटन दिए हुए हैं यहाँ पे एंड और पूरी कुर्ती में ये वाइट कलर का प्रिंट है एंड इसकी जो ब्रांड है वो अनाउक है एंड साइज़ इसका मैंने परचेस किया है मीडियम जो कि बिल्कुल परफेक्ट आया है, अमेजिंग साइज़। सो स्लीव्स इसकी वही 3/4 हैं एंड स्लीव्स का कुछ इसका थोड़ा सा स्टाइल देने के लिए कुछ इस तरीके की स्लीव्स हैं, थोड़ा लूज फिट में फ्लेयर टाइप की, तो काफ़ी अच्छी लुक आ रही थी इसकी। आप साइड में ट्रायन में देख ही रहे होंगे। अच्छा, प्राइस की बात करें तो प्राइस इसका 320 या 300 के समथिंग है जो कि बहुत ही अफोर्डेबल है और इसका जो कपड़ा है वो कॉटन है। सो अगर आपको पसंद आती है तो आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट कुर्ती मैंने परचेज की थी एक ग्रीन कलर में और आप देख सकते हैं इस तरीके की मैंने कुर्ती परचेज की थी। इस पूरी कुर्ती में ना इस तरीके का कुछ प्रिंट हो रखा है और थोड़ा शाइन वाला जो प्रिंट होता है ना वो हो रखा है और मैंने मीडियम साइज में परचेज की थी और मीडियम मुझे थोड़ा सा लूज आ रहा है। ब्रांड इसकी साक जयपुर मेंशन है यहाँ पे और कट स्लीव में है गाइज, इसके अंदर कोई स्लीव्स आपको नहीं मिलेंगी। अच्छी खासी लेंथ है और साइड में ट्रायन में आप देख सकते हैं इसकी लेंथ वगैरह कितनी है और लुक वाइज ये कैसी लग रही है। इसका फैब्रिक रेयॉन है और ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, बहुत ही अच्छी लग रही थी। समर के हिसाब से ना बिल्कुल
परफेक्ट है और ये सिर्फ 299 के समथिंग आपको मिलेगी, तो मेरे अकॉर्डिंग तो बिल्कुल परफेक्ट कुर्ती लगी। आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं और ऑर्डर कर सकते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और प्लीज़ कॉमेंट करके बताना आपको इनमें से कौन सी कुर्ती पसंद आई हो, और अगर एक भी कुर्ती आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करके जाना। सो मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा सी यू, बाय बाय।